हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और वाटर सीमेंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो, कि एक बैग सीमेंट में हम कितना लीटर पानी डालें कि हमारा एक गुड क्वालिटी का कॉन्क्रीट मिक्स रेडी हो सके, इसी को बोलते हैं वाटर रेशियो। ठीक है, अब मैं बात करूं कि वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ना, डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को। अगर हम लिमिट से ज्यादा पानी डालेंगे, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की, वो हमको प्रॉपर नहीं मिलेगी। और हम अगर लिमिट में पानी डालेंगे तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि व्हाई वी यूज वाटर इन सीमेंट। आपको पता है कि सीमेंट को मिक्स करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर हम वाटर मिलाएंगे नहीं तो हम सीमेंट को प्रॉपर वे में मिक्स कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम प्रॉपर वे में वाटर सीमेंट को मिक्स नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी हमारे हमको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। और आपको ये पता है कि जब सीमेंट को, मतलब पानी को जब सीमेंट के साथ मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हमको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में। इसीलिए हम सीमेंट पानी को सीमेंट में मिलाते हैं। अब मैं आपको बात करूं कि जो हमारा वाटर रेशियो होता है वो कितना होता है और किस आईएस कोड का अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली मैं बात करता हूं, जो आईएस कोड का जो हमारा रेशियो है वो 0.4 से 0.6 तक होता है एज पर आईएस कोड 10262 2009। ठीक है, फॉर नॉमिनल मिक्स M7.5, M10, 15, 20 एंड M25 रेशियो। तो ये होते हैं हमारे नॉमिनल मिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाटर रेशियो का यूज कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे निकालते हैं कि एक बैग सीमेंट में हमारा कितना लीटर वाटर आएगा। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया कि एक मीटर क्यूब में कितना होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ये कंक्रीट का एक मीटर क्यूब में वेट हो गया पर केजी। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक बैग सीमेंट 50 केजी का होता है, तो एक बैग सीमेंट में कितने क्यूबिक मीटर सीमेंट आता है ये हमको निकालना है। तो एक बैग सीमेंट में हमको अगर ये निकालना है कि कितने क्यूबिक मीटर सीमेंट आता है तो बस हमको डिवाइड कर देना है उसकी डेंसिटी से। एक बैग सीमेंट में कितने MQ सीमेंट आता है वो निकालने के लिए हमें जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन है, इससे हमको पता चल जाएगा कि एक बैग सीमेंट में कितना मीटर क्यूब आता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमको वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो सबसे पहले हमको जो यूनिट जिस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी यूनिट का रेशियो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बैग सीमेंट में हमको पता चल गया कि 0.03472 हमारा मीटर क्यूब होता है। तो हम मान लिए कि हमारा एक बैग सीमेंट में 35 लीटर सीमेंट होता है। अब मैं वाटर सीमेंट रेशियो निकाल रहा हूँ 0.45। ये रेशियो एक्चुअली लोग M25 ले लेते हैं। ठीक है, तो M25 का ही सपोज कर लेते हैं हम। तो हमको वाटर कितना चाहिए, तो वाटर इज इक्वल टू सीमेंट इंटू 0.5। हमारा सीमेंट कितना है, सीमेंट है हमारा 35 लीटर, और 35 लीटर को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.5 लीटर वाटर पर बैग। मतलब अगर हम 0.5 का रेशियो लेके चलते हैं वाटर सीमेंट निकालने के लिए, हमारा एक बैग सीमेंट में 17.5 लीटर वाटर आएगा एक कंक्रीट मिक्स को बनाने के लिए एक बैग में। ठीक है, अगर और बहुत लोग को मैं क्या देखा हूं कि क्या करते हैं कि सीमेंट को लीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सीमेंट को केजी में रहने देते हैं। अगर मैं दूसरा एक कैलकुलेशन बताऊं आपको, तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो मैं लेता हूं 0.5 ही लेता हूं। ठीक है, और सेम, तो अब यहां पर मैंने जो सीमेंट लिया है वो जस्ट केजी में ले लिया है, पर बैग में कर लिया है, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया है। एक बैग में हमारा कितना केजी होता है, 50 केजी होता है, तो 50 × 0.5 तो हमारा कितना है, 25 केजी पर बैग। ठीक है, तो 25 केजी वाटर। अब क्या होता है कि वाटर को जो हम मेजर करते हैं, तो वाटर को मेजर करने के लिए हम लीटर में यूज करते हैं, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर इस चीज को करते हैं 25 लीटर बोल देते हैं। एक्चुअली यही चीज गलती करते हैं लोग, किसी भी रेशियो का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो जिससे मल्टीप्लाई करें उसका जो रेशियो होगा, उसका जो यूनिट होगा वही यूनिट आंसर में भी आएगा। अगर हमने ये 50 केजी दिया है तो रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये केजी ही आएगा, लीटर नहीं हो जाएगा। आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग के साइड पे कौन सा रेशियो यूज होता है और
क्या रिजल्ट आता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो मैं सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग ही बनाता हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर मैंने कोई गलती की तो भी मुझे बताइए, ताकि आगे से मैं वो गलती ना करूं और साइट पे भी मैं वो चीज को सुधार सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।